अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इथर, इथर बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन ऑफ इथर, इथर कैसे बनाएंगे। तो आप सभी को हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ इथर, इथर बनाने की विधि। हम लोग अल्कोहल और फिनॉल बना चुके हैं, अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है इथर, उसको बनाने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इथर। तो यह जो आपका इथर है, इसका निर्माण जो है कि मुख्य रूप से दो रिएक्शन के द्वारा होता है। यही हमारे सिलेबस में दोनों रिएक्शन को दिया गया है, पहला तो फ्रॉम अल्किन से और दूसरा आपको पहला जो है कि फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा है आपको जो है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। तो हमारे चैप्टर में मात्र दो ही या सिलेबस में दो ही रिएक्शन इथर बनाने का, पहला फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इथर फ्रॉम अल्कोहल। तो हम लोग पहला रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ पर पहला रिएक्शन लिखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से इथर बनाने की विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यह कैसे होता है, तो आइए इसको हम लोग ध्यान देते हैं अल्कोहल से इथर कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि देखेंगे कि अल्कोहल से इथर बनाने जा रहे हैं। तो यह जो अल्कोहल है उसका रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर यदि हम लोग कराते हैं तो उस स्थिति में अल्किन बन जाता है। यहाँ से OH और यहाँ से H जो है कि बाहर निकलेगा और यह बना लेगा आपको अल्किन। यहाँ पर CH, यहाँ से H एक निकलेगा, यहाँ से OH, तो यहाँ पर CH2 बच जाएगा और यहाँ पर CH2 और H और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो यहाँ पर डल बन आ जाएगा और यह बना लेगा अल्किन। तो यदि H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का 443 केल्विन पर तो यह जो है कि अल्किन बनाता है। यदि उसी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर यानी थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं तो यह जो है कि ईथर बना लेता है। यह क्या बनेगा, CH3CH2O और फिर क्या बनेगा यहाँ पर CH2CH3 यह बन जाएगा और H और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इथर बनाना हो तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आपको तापमान थोड़ा सा कम रखना होगा। यदि तापमान बढ़ाएंगे तो इथर नहीं बन के क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। तो हम लोग यह रिएक्शन पढ़ना है, तो यानी हम लोग इथर जब भी अल्कोहल से बनाएंगे तो लो टेम्परेचर पर बनाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं यार इस रिएक्शन को कि यह बना कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है, तो आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं, तो मैकेनिज्म में पता चलेगा कि यह कैसे बना। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको इथर का रिएक्शन जब H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो कम तापमान पर तो क्या होता है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यह CH3 और जो है कि या फिर इसी रिएक्शन को, चलिए ठीक है, तो CH3 यहाँ पर आपको CH3 फिर CH2 और OH लेते हैं और यह जो है कि आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, HSO4 के साथ यह रिएक्शन करता है। यह हो गया आपका स्टेप फर्स्ट के में जो है कि यह रिएक्शन करता है। तो यहाँ से H टूटता है और इसके पास आकर जुड़ जाता है, तो यह बनाता है आपको CH3 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर जो है कि O और H और यहाँ पर H बनाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है कि तीन बॉन्ड नहीं बना सकता है तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। देखिए ऑक्सीजन पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया 7, एक इसके साथ शेयरिंग किया 8, एक इसके साथ शेयरिंग किया 9, तो 9 तो नहीं हो सकता है, इसीलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे लॉस करेगा तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यह इस तरह से कंपाउंड बन जाता है और HSO4- बाहर निकल जाता है। HSO4- यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यह पहला स्टेप का रिएक्शन हुआ। अब दूसरा स्टेप में इसका रिएक्शन हम लोग फिर जो है कि अल्कोहल से कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। तो दूसरा स्टेप में आइए यहाँ पर लिखते हैं स्टेप सेकंड, तो CH3 यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर H यहाँ पर प्लस। अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं।
तो अल्कोहल का HOCH2 और CH3 यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब इथर बनाना होगा तो यह दो मोल लेंगे और जब अल्किन बनाना होगा तो एक ही मोल से यह बन जाएगा, क्योंकि इधर भी CH3CH2 है और इधर भी CH3CH2 है। यह तभी संभव है जब दो मोल अल्कोहल लेते हैं। तो पहला मोल अल्कोहल पहला स्टेप में यूज किया गया और दूसरा मोल अल्कोहल का उपयोग हम लोग यह जो कि दूसरा स्टेप में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से आपको जो H और यहाँ से OH जल बन के बाहर निकल जाएगा और यह आके इसमें जुट जाएगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा आपको, CH3CH2O CH2 और CH3 यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस चार्ज आपको डेवलप कर जाएगा और यहाँ से OH और H जो है कि वाटर मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकल जाएगा। OH और H क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकल जाएगा। अब जो है कि स्टेप थर्ड में अब इसका रिएक्शन हम लोग फिर करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं स्टेप थर्ड। तो CH3 आपको फिर यहाँ पर CH2 यहाँ पर O इस पर प्लस चार्ज, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 है। इसमें होता क्या है कि यह रिएक्शन कराते हैं किसके उपस्थिति में, आपको यहाँ पर कराते हैं रिएक्शन। तो यह क्या बनता है देखेंगे, यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है तो इसी ऑक्सीजन पर प्लस और इसी पर माइनस, तो यह जो है कि न्यूट्रल हो जाता है और H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2 यहाँ पर OCH2 और CH3 यहाँ पर बन गया और H प्लस आपका जो है कि बाहर निकल गया। अब यह जो H प्लस बाहर निकला है और यहाँ पर HSO4 माइनस है, लास्ट में उससे रिएक्शन करके बनाएगा HSO4। यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में H प्लस यह H प्लस और यहाँ से आपको HSO4 माइनस, तो यह HSO4 माइनस ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो बना लेगा H2SO4। H2SO4 जिस प्रकार से हम लोग लिए हुए थे यहाँ पर उस प्रकार से, या फिर यहाँ पर उस प्रकार से फिर वापस आ गया। इसका मतलब यह आपको रिएजेंट का कार्य करता है या यह एक प्रकार का रिएजेंट है। यह आपको H2SO4 अच्छे से लिख दे रहा है। यह चार स्टेप में आप देखेंगे तो इथर का निर्माण हो चुका है। तो जब भी आपको इथर बनाना हो अल्कोहल से तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया है कि टेम्परेचर जो है कि कम रखना होगा और अल्कोहल दो मोल लेना होगा, किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। तो यह जो रिएक्शन है इस साइड से उसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। यह तो अल्किन बनता है तो इसमें सिंपल है, यहाँ से OH और H बाहर निकला और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यह जल बन के बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आपको अल्कोहल से अल्किन बनाना होगा तो इसी प्रकार से हम बनाते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यह जो है कि SN2 मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। तो अल्कोहल से जब भी इथर हम लोग बनाते हैं तो यह मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म से बनता है। तो जो कि चार स्टेप में यहाँ पर दिखाया गया इसको, या फिर आपसे कोई पूछे तो, या फिर यहाँ पर मिटा के अगले में जो है आपको हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, वहां पर जो है कि हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो यह जो आपके बुक में जैसा दिया गया था उस तरह से आपको बताया गया। अब एक एग्जाम्पल और जो हम अपने मन से आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में जाए। तो यहाँ पर देखेंगे और एक चीज और है कि आपके बुक में जो है कि कहीं कहीं देखा गया कि मैकेनिज्म कम दिया गया या फिर एक्सप्लेनेशन जो है कि कम किया गया। तो आपको बुक से थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बताया जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी विद्यार्थी को कुछ डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, वो कल जो पिछले वीडियो में अपने फोन नंबर लिखे हुए थे उसी फोन नंबर पर कॉल करके शाम को 8 बजे हमसे पूछ लेंगे कि सर यहाँ पर डाउट है, हमको क्लियर नहीं हुआ। चूंकि बुक में कहीं कहीं लिखा रहता, आप देखिए आपके यहाँ जो बुक है उस बुक में आपको हो सकता है कि दो मोल नहीं लिखा हो, लेकिन यहाँ पर दो मोल का आवश्यकता है, इसीलिए हम यहाँ पर पहला स्टेप में एक मोल लिए हैं फिर दूसरा स्टेप में एक मोल लिए हैं। तो बहुत से ऐसा चीज होता है जो बुक में नहीं लिखा रहता उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाकर बताते हैं। तो जिनको भी डाउट हो, समझ में नहीं आए, वैसे विद्यार्थी जो कल वीडियो में हम अपना मोबाइल नंबर लिखे हुए थे उसको देखेंगे और उसी नंबर पर शाम को 8 बजे कॉल करके हमसे फिर पूछ लेंगे। तो इसको लिखते हैं और लिखने के बाद हम लोग एक दूसरा रिएक्शन अभी बताने जा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से कराना है और 413 केल्विन पर करानी, यानी कि लो टेम्परेचर पर कराना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 मोल भाग लेगा और यह इथर बनाएगा। अभी इसका मैकेनिज्म बताए हैं, यहाँ पर 2 मोल लिखा हो तभी आपको बनाना है, नहीं लिखा हो तभी बनाना है। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पर क्या बने लेगा, तो CH3 यहाँ पर CH2 फिर CH2 और यहाँ पर O, फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर CH3। इस प्रकार से यह कंपाउंड बना लेगा और यह इथर बन जाएगा। इसका बिल्कुल आसान मैकेनिज्म बता रहे हैं, जो बुक में नहीं दिया है उसको बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ जैसे देखिएगा आप टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर लिखते हैं मैकेनिज्म। तो लो टेम्परेचर की उपस्थिति में क्या होता है कि CH3 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH, फिर एक और मोल लेते हैं OH, यहाँ पर CH2 फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ से O और H और यहाँ से H जो है कि क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और यह दोनों आकर आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एच और OH तो बाहर निकल जाएगा और इधर से क्या जुटेगा, तो इधर से आपको CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पर आपको O और इधर से आपको क्या आएगा, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फिर CH3। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल आसान से इथर आपको बन गया। यह इधर भी प्रोपाइल है और इधर भी प्रोपाइल है, इसका नाम हो जाएगा सिंपल नेम है डाई प्रोपाइल। इसको यह भी प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल हो गया डाई प्रोपाइल। इसको कहते हैं इथर, ETHER इथर। तो डाई प्रोपाइल इथर का निर्माण हो गया। तो यह अभी एक तरीका है आपको सिंपल से जो कि मैकेनिज्म समझने का, पिछला जो स्टेप में 4 स्टेप में मैकेनिज्म को बताए हैं वो आपके बुक में उसी प्रकार से दिया हुआ था। एक सिंपल तरीका यह भी है, लेकिन यह कब लागू होगा, जब तापमान आपको 413 केल्विन रहेगा। इससे अगर ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि अल्किन बना लेगा। तो यह अल्कोहल से इथर बनाने का रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या समझें कि अल्कोहल से इथर कैसे बनता है, तो इसमें जो है कि तभी बनता है जब अल्कोहल से इथर जब जो कि तापमान कम रहेगा। एक चीज और समझेंगे कि यह जो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 मैकेनिज्म में इसका मतलब कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है कि से इथर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन होता है 0 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री और यहाँ पर फिर 3 डिग्री। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि अल्कोहल जो है कि यहाँ पर एक इसका इस रिएक्शन से 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इथर का निर्माण नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 2 डिग्री जो है कि एंड 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट फॉर्म इथर। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट फॉर्म इथर फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है कि इथर का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में 2 डिग्री और 3 डिग्री का रिएक्शन बल्की ग्रुप होने के कारण स्लो पड़ जाता है। तो याद रखेंगे कि जब भी रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल ही, इस विधि से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से ही इथर का निर्माण कर सकते हैं। यह 1 डिग्री अल्कोहल, यह कौन सा अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ही जो है कि H2SO4 की उपस्थिति में इथर का निर्माण कर सकता है। तो इस रिएक्शन से का क्या लिमिटेशन है कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन के इस H2SO4 की उपस्थिति में इथर का निर्माण नहीं कर सकता है। एक और लिमिटेशन यह है इस रिएक्शन का कि आपको जो है कि इस रिएक्शन से H2SO4 की सहायता और अल्कोहल की के उपस्थिति में जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग को केवल सिंपल इथर का निर्माण होगा। यहाँ पर भी जैसा ग्रुप होगा ठीक वैसा ही इधर भी ग्रुप होगा। तो इस रिएक्शन से हम लोग को मिक्स इथर नहीं बन सकता है। इससे जब भी
बनेगा तो हम लोग को सिंपल इथर बनेगा, और कौन अल्कोहल भाग लेगा रिएक्शन में तो 0 डिग्री 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी और 0 डिग्री अल्कोहल इसमें भाग लेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है, और इससे मिक्स इथर भी नहीं बनाया जा सकता। आपको मिक्स ETH या मिक्स इथर इस रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो यह जो है कि इसका लिमिटेशन हो गया, यह लिमिटेशन हो गया कि यह लिमिटेशन का मतलब यह हुआ कि यह जो है कि आपको लिमिटेशन करने का मतलब है कि अल्कोहल से जो है कि हम लोग इथर तो बना सकते हैं लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से इथर नहीं बना सकते हैं, और इस रिएक्शन से हम लोग केवल सिंपल इथर बनाएंगे, मिक्स इथर का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे। जब भी लेंगे तो 2 मोल अल्कोहल लेंगे तो 2 मोल अल्कोहल में 1 मोल यहाँ रहेगा और सेम अल्कोहल 1 मोल इधर रहेगा, तो यहाँ पर मिक्स बनने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों सेम अल्कोहल है तो दोनों सेम ग्रुप आकर जुटेगा और सेम जो है कि इथर बनाएगा। इधर से भी सेम ग्रुप और इधर से भी सेम ग्रुप, तो सेम इथर बनेगा। तो इस रिएक्शन का लिमिटेशन आप याद रखेंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है कि इस रिएक्शन से इथर नहीं बना सकता है, और मिक्स इथर भी इस रिएक्शन से नहीं बन सकता है। तो H2SO4 से जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं उसमें केवल प्राइमरी अल्कोहल ही H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर पर इथर का निर्माण करेगा। यह बात आपके बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वह यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से इथर का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह बल्कि ग्रुप होता है और बल्कि ग्रुप जो है कि SN2 रिएक्शन में, बल्कि यानी बड़ा ग्रुप SN2 रिएक्शन में स्लो पड़ जाता है। क्यों होता है यह पिछला क्लास में आपको हेलोएल्केन हेलोएरिन में समझाए थे कि 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों स्लो पड़ जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो वहां पर जाके देखेंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों SN2 मैकेनिज्म में स्लो पड़ जाता है। एक चीज और, यहाँ पर मिक्स इथर भी नहीं बन सकता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मिक्स इथर को असममित इथर भी कहते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिख देंगे कि इस रिएक्शन से असममित इथर का निर्माण नहीं हो सकता है। और यह जो आपको बताया गया है वह सारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे इस रिएक्शन के जस्ट नीचे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह आपको मिल जाएगा। तो इसको बुक में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह इसका क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे H2SO4 लेंगे तो उसी स्थिति में अल्किन बन जाएगा और इथर का निर्माण नहीं होगा। तो आइए एक रिएक्शन वहां पर भी आपको समझा देते हैं। अब यह आपके बुक में नहीं दिया गया, यह कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया गया है। बुक में आपका सिंपल एक दिया हुआ है, उसको आपको बता दिए। बताने के बाद एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, अब एक एग्जांपल और आइए आपको देकर इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें कि यह जो कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यह देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इसे कार्बन से जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, और यह H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यह 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल है, या 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यदि आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं या लिमिटेशन नहीं पढ़ेंगे तो सीधे आप तो या तो यह बनाइएगा नहीं तो यह बनाएगा। तो आपको अभी तो बताएं कि लिमिटेशन में कि 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल से कभी भी इथर नहीं बन सकता है, तो इसमें क्या बनेगा। तो इसमें जब भी बनेगा तो अल्किन बनेगा, तो यहाँ से एच, यहाँ से OH बाहर निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यह प्रोडक्ट आपको बन जाएगा और जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो है कि आपको यहाँ पर यह सी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वही यदि 1 डिग्री अल्कोहल रहता, आपको यदि हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर CH3 आपको CH2 फिर यहाँ पर CH2 और OH लिखते हैं और तीर के ऊपर H2SO4 और 400 H2SO4 और 413 केल्विन रखते हैं और इसको हम लोग 2 मोल लेते हैं या एक यहाँ नहीं भी लिखा रहेगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो यह जो है कि 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री और
प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, तो यह 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल है, तो यह जो कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो उस स्थिति में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस स्थिति में आपको जो है कि यह रिएक्शन करेगा तो यह अल्कोहल जो है कि ईथर का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह ईथर बनाएगा, तो यह 2 मोल भाग लेता है, 1 मोल इधर से या 1 मोल इधर से, तो लिखते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर O, आप फिर यहाँ पर लिखते हैं आपको CH2, फिर यहाँ पर CH2 CH2 और CH3, और जल क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो यह तभी संभव है जब यह 2 मोल अल्कोहल भाग ले। तो आपको यह दोनों एक साथ इसलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, जब भी आप H2SO4 को देखिएगा और जो है कि 413 केल्विन तापमान पर, तो आप डायरेक्ट या तो अल्किन या अल्कोहल नहीं बना दिया, उस स्थिति में आपको पहले अल्कोहल को पहचानना होगा कि वह 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है। यदि अल्कोहल 1 डिग्री होगा तो ईथर बना लेगा, और यदि अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो उस स्थिति में वह अल्किन बनाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एच और मोएच बाहर निकल जाता है, तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी 2 डिग्री 3 डिग्री होगा उस स्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी कुछ एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से निकलकर बाहर निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड यानी अल्किन का निर्माण होगा। तो यह कब, जब अल्कोहल 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री होगा, लेकिन यदि अल्कोहल 1 डिग्री या 0 डिग्री हो तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, वहां पर SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 मैकेनिज्म से वहां पर ईथर बनेगा। तो यह जो है कि आप ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि H2SO4 के साथ जो अल्कोहल ले रहे हैं वह किस प्रकार का अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी है। तो यह 2 क्वेश्चन बताया गया ताकि आप लोग समझ गए, और जो है कि अब आगे हम लोग चलते हैं अल्कोहल से ईथर बनाने का विधि हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा ईथर बनाने। तो आइए अभी सभी को हेडिंग देंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ने से पहले आइए एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वन फॉर्म ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4/413 केल्विन टेम्परेचर, यानी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इसको लिखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल H2SO4 और 413 केल्विन तापमान की उपस्थिति में ईथर का निर्माण करेगा। तो यह इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर चौथा ऑप्शन में ऑल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन जो अल्कोहल है जो ईथर का निर्माण कर सकता है। तो अभी आपको बताया गया है, आप अपने से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस चारों क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है कि सही होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही आपको H2SO4 के उपस्थिति में ईथर का निर्माण करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, SN2 में यह स्लो पड़ जाता है, इसीलिए इसका रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन और आपको चलिए इसी आधार पर बताते हैं, यही क्वेश्चन जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसी टॉपिक के आधार पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसको लिखे और दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ईथर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4/413 केल्विन। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा ईथर H2SO4/413 केल्विन के उपस्थिति में बनाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में कौन से ईथर का निर्माण H2SO4 और 413 केल्विन की उपस्थिति में हो सकता है, इसी को हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी मीडियम में लिख लेंगे। क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे, तो फिर बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ईथर का निर्माण H2SO4 और 413 केल्विन के उपस्थिति में हो सकता है अल्कोहल से।
तो जो है कि यह अल्कोहल से ही बनाया जा रहा है। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन में है कि सिंपल इथर, दूसरा ऑप्शन में है मिक्स्ड इथर, और तीसरा ऑप्शन में बोथ, यानी कि दोनों बन सकता है, सिंपल भी और मिक्स्ड भी, और तीसरा में नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो विच टाइप ऑफ इथर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4/413 केल्विन फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से कौन से इथर का निर्माण हो सकता है, तो अल्कोहल से कौन से इथर का निर्माण हो सकता है H2SO4 और 413 केल्विन के उपस्थिति में। तो अभी आपको बताया गया इस टॉपिक पर, जो पिछले थोड़ा देर पहले आपको पढ़ा गया, तो उसमें बताया गया कि सिर्फ सिंपल इथर ही इसमें बन सकता है, इसमें मिक्स इथर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल इथर, यानी कि सममित इथर, हिंदी में होता है सममित इथर। तो अब आइए हम लोग यह आपको फिर से समझा देते कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए CH3 और OH है, इसका H2SO4 और 413 केल्विन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि यह 2 मोल लेते हैं, तभी जाके 2 मोल इथर बनता है। तो CH3O और CH3 बनेगा और H और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह जो रिएक्शन में होता है, तो उसमें क्या होता है कि 1 मोल CH3OH इधर से आता है, दूसरा मोल CH3OH उधर से आता है, तो सेम अल्कोहल दोनों साइड से आता है, इसीलिए इसमें सिंपल इथर बनता है। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म आपको फिर से बता दे रहे हैं शॉर्टकट में, ये आपको मैकेनिज्म बता दे रहे हैं शॉर्टकट में, या बुक का मैकेनिज्म नहीं है, आपको समझने के लिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर CH3OH और फिर यहाँ पर दूसरा जो मोल लेते हैं वो अभी सेम ही ग्रुप होता है H2SO4 के उपस्थिति में। तो यह जो हम लोग दोनों एक ही प्रकार का दोनों अल्कोहल लिए हुए हैं, इसीलिए जो है कि 1 मोल इधर से 1 मोल इधर से, इसीलिए इसमें सिंपल इथर बनता है, मिक्स इथर इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O जो है कि बाहर निकल जाएगा, इधर से आपको CH3O और फिर इधर से आपको CH3 आकर जुड़ जाएगा और सिंपल इथर का निर्माण कर लेगा। तो अल्कोहल से हम लोग सिंपल प्राइमरी अल्कोहल से जब भी H2SO4 से के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं 413 केल्विन पर, तो हमेशा सिंपल इथर ही बनता है, क्योंकि 1 मोल 2 मोल लेते हैं, जिसमें से 1 मोल इधर से भाग लेता है और दूसरा मोल इधर से, तो सिंपल ही बनता है, इसमें मिक्स बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए इसको हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल इथर और सममित इथर। तो अभी जो हम लोग पढ़े वह अल्कोहल से इथर बनाने का रिएक्शन पढ़े हैं, साथ में ये अभी पढ़े कि कौन सा अल्कोहल जो है कि इथर नहीं बना सकता। ऐसा नहीं कि सभी अल्कोहल से हम लोग इथर बना सकते हैं, तो किस अल्कोहल से हम लोग इथर बना सकते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल से ही, या 0 डिग्री अल्कोहल से हम लोग इथर बना सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से इथर नहीं बनता है, उससे अल्किन बन जाता है। पहला हम लोग पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, यदि इसमें क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि यह रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म पर आधारित है, तो आपको जवाब देना होगा कि यह रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म पर आधारित है। फिर क्या क्वेश्चन पढ़े कि इससे किस प्रकार के अल्कोहल, किस प्रकार के इथर नहीं बनाए जा सकते हैं, तो यह जो है इस रिएक्शन से हम लोग मिक्स इथर कभी नहीं बना सकते हैं, अल्कोहल से जब भी बनाना होगा हम लोग को सिंपल ही इथर बनाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि मिक्स इथर किस रिएक्शन से बनेगा और कैसे बनेगा, चूंकि मिक्स इथर तो हम लोग को मिलता है, और जो है कि 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का भी इथर हम लोग को प्राप्त होता है, तो यह 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जब इससे नहीं बना, इस रिएक्शन से नहीं इथर बना सकते हैं, तो फिर वह किस रिएक्शन से बनाएंगे। तो अगला आपका जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से हम लोग सिंपल भी इथर बना सकते हैं, मिक्स इथर भी बना सकते हैं, साथ में उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री सभी प्रकार के अल्कोहल भाग लेकर इथर का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, अल्कोहल से इथर बनाने का रिएक्शन समाप्त हो गया। अब सभी को हेडिंग देंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह एक नेम रिएक्शन है, इसको वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, आपको सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं, इसे डिफाइन करें, या फिर कुछ रिएक्शन आपको दे देगा और उसमें पहचानना होगा कि यह कौन सा रिएक्शन होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को
अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यह रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग हर तरह का अल्कोहल बना हर तरह का इथर बना सकते हैं। सिंपल इथर भी बना सकते हैं, मिक्स इथर भी बना सकते हैं, साथ में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के द्वारा भी इससे हम लोग इथर बना सकते हैं। तो हेडिंग देंगे सभी को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है यह क्यों पढ़ने जा रहा है, क्योंकि इससे हम हर तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में 1 मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। यह क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो 1 मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, तो सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं। इसको कहते हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड, अल्कोऑक्साइड कहते हैं। तो इसका रिएक्शन कराते हैं 1 मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर NaX क्या होता है, बाहर निकल जाता है और यह ग्रुप आकर जुड़ जाता है। तो इधर से क्या जुटेगा आपको, R, और फिर यहाँ पर इधर से क्या जुटेगा, O और R बाहर क्या निकल जाएगा, तो बाहर यहाँ पर निकलेगा NaX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर NaX क्या हो गया कि बाहर निकल गया। तो आपको यह और सिंपल इथर का निर्माण हो चुका। तो यह जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें दो चीज ध्यान देना होगा कि इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोऑक्साइड से साथ कराते हैं तो इथर का निर्माण होता है। और यह भी SN2 मैकेनिज्म होता है। कौन मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म बताने से पहले आपको इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोऑक्साइड इन द व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोऑक्साइड देन इथर इज फॉर्म और NaX इज एंड NaX इज रिमूव। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय विलियमसन, हेंस इट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जो अभी हम लैंग्वेज बोले हैं उसको सुनकर अच्छे से लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो NaX बाहर निकलता है और इथर का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को विलियमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों तरह के भी जो विद्यार्थी हैं इसका डिफिनेशन लिख लेंगे और इस रिएक्शन को लिख लेंगे। इसके बाद इसका मैकेनिज्म, इसका लिमिटेशन, ये सब जो भी चीज है वह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, यह 5 मिनट में समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक जो है कि आप लोग इसको, इसका रिएक्शन लिखिए, इसको अच्छे से पढ़िए और मैकेनिज्म का जगह इसका आप लोग छोड़ दीजिएगा। बुक में भी दिया है, बुक को भी देखिए, पढ़िए, समझिए। और फिर जो भी आपको डाउट हो, किसी विद्यार्थी को डाउट हो, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0958-22208। तो इस नंबर पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपका या प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर शाम को 8 बजे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यदि उसमें दिक्कत होगा, उससे नहीं होगा, तो अगले क्लास में आपको वीडियो पर बना के उसको दिखा दिया जाएगा। तो इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का डिफिनेशन अपने मन से लिखिए और जो है कि लिखने के बाद इसको जो है कि मैकेनिज्म का जगह छोड़ दीजिएगा। फिर से हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को समझाते हैं या हिंदी मीडियम दोनों समझिए, डिफिनेशन कैसे बनता है। तो डिफिनेशन में क्या होता है कि कौन कौन सा रिएक्शन किया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और क्या प्रोडक्ट बना, इसी को लिख देते हैं, तो यही हमारा डिफिनेशन हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोऑक्साइड देन इथर इज फॉर्म एंड NaX इज रिमूव्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इट इज गिवन बाय विलियमसन। दूसरा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो इथर का निर्माण होता है और NaX क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को विलियमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए और जिनको भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, पिछला वीडियो में भी कुछ विद्यार्थी का डाउट है, कमेंट में आया हुआ है, तो इस वीडियो में यदि हम आपको बताते हैं तो हो सकता है कि टाइम हम लोग का किल होगा, इसीलिए आप हमसे फोन से इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है उस पर हम क्लियर कर देंगे। और नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर आपको
अगले वीडियो में इसको बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाकी अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।